हम जो विचार कर रहे थे वो यही था कि सब कुछ आरंभ हमारा वेद से होता है और अंत भी कहीं होगा तो वेद पर ही होगा, क्योंकि यदि हम कोई बात कहेंगे तो अंत तो वक्त देखे पूछेगा क्या ये वेद सम्मत है। यदि हम कहा वेद सम्मत है तो भले उनके सामने वेद का मूल रूप जावे अथवा न जावे, पर इस कथन का विश्वास करके कि जब वेद सम्मत कह रहे हैं तो जरूर वेद में ये चीज है, तो आरंभ और अंत दोनों वेद पर हो रहे हैं। पर जो कुछ हम आज तक करते आ रहे हैं, संस्कृति जिसका नाम ने वैदिक संस्कृति कह रखा, यही एक उपयुक्ततर नाम है, उस वैदिक संस्कृति में हम दृष्टि डालें और फिर देखें कि हमारा जो भी सांस्कृतिक जीवन है, साहित्यिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, सार्वभौम जीवन है, उसमें वेद कितना है। तो हमें भयंकर रूप से निराश होना पड़ता है। वेद की शपथ सब लेते हैं, जैसे अपने यहाँ न्यायालय में होता है कि भगवती गीता पर हाथ रख करके और हम शपथ लेते, जो कुछ कहूँगा सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। हम भी समझते जो कुछ हम कर रहे हैं वेदानुकूल कर रहे हैं, वेद के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, पर विचार करने पर लगता है कि हम इन सब कार्यकलापों के साथ वेद का कितना योग प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वयं वेद के स्वरूप को लेकर के मैं कहना चाह रहा हूँ आज कि भारतीय वाङ्मय में वेद के साथ पुराण अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ, वेद पुराणों में ऐसा है। दूसरी बात, भगवान व्यास का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो महाभारत में भी है और महाभारत से भिन्न अन्य ग्रंथों में भी व्यास के रूप में ही प्राप्त होता है, और वो है इतिहास पुराणेभ्य वेदार्थ मुपबृंगयेत् विभेद्यल्प श्रुतादि वेदो मामयम् प्रहरिष्यति। व्यक्ति इतिहास और पुराण इन दोनों से अपना रास्ता निकालता हुआ, इन दोनों की सहायता लेता हुआ, इन दोनों के सिद्धांतों को वेद के साथ में रखता हुआ वेद के अर्थ को करने का प्रयत्न करे। इतिहास पुराणा ध्यान, ये कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए? तृतीय द्विवचन, एकस्ता इतिहास अन्यच्च पुराणम एवं वयम संयुज्य इतिहास पुराणाभ्याम इति वयम। तो इतिहास पुराण से वेदम वेद को समुपबृंगये, अपने संपूर्ण व्याख्याओं के साथ ऊपर उठावे, दुनिया तक लोगों को वेद को पहुंचावे, यही करता। क्यों? आगे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह हमारा निचोड़ है, विचार है, अनुभव है। विभेद्यल्प श्रुताद वेदः, वेदः वेद विभेति डरता है किससे? अल्प श्रुताद, जिस व्यक्ति ने शास्त्रों का पूरी तरह से अच्छी प्रकार से अवलोकन गाढ़ परिशीलन नहीं किया है, वो जो कुछ कहेगा वेद अनुकूल ही होगा, ऐसा एकाएक नहीं माना जा सकता है। तो वेद भी डरता है कि ये भला आदमी मेरे विषय में कुछ बोलने को आ तो गया, अब तो मेरा सत्यानाश होना। मामयम प्रहरिष्यति, ये मेरी व्याख्या नहीं करेगा, मेरे ऊपर प्रहार करेगा। तो इसका मतलब सीधा शर्त हो गया कि वेद को अलग रख करके पूरी तरह से इस बात पर आश्वस्त हुए बिना कि हम वेद का ही मर्म लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को सोचे समझे बिना अगर व्यक्ति किसी प्रकार के निश्चायक सिद्धांत की बात करेगा तो वेद को कहीं कहीं अंग भंग होना ही पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं हमारे प्राय प्राय सब जगह लिखा रहा वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेदांग इन दोनों के तत्व को जानने वाला, किसको जानने वाला? तत्व को जानने वाला,
वो विद्वान कहलाता। वेद और वेदांग हम जान सकते हैं, जान ले सकते हैं कि वेद पढ़ लेंगे, व्याकरण के दृष्टि से हम मान लेंगे कि वैदिक शब्द है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, सर्वथा निर्दुष्ट शब्द है। अर्थात दूसरी भाषा में अपन कहें तो आज हिंदी में जो शब्द हम बोलते हैं और जो के त्यों संस्कृत में मिलते हैं, तो वो शब्द संस्कृत के हिंदी में आ गए हैं, इसलिए हम उन शब्दों की जाति का परिचय देते हुए कहेंगे तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम, तत् अर्थात तत्र वेदे, तो तत्र वेदे यह समान रूप है, तदेव रूप में अश्य वेद में जो रूप है वही रूप हम यहाँ प्रयुक्त कर रहे हैं। और थोड़ा सा बोलने में लापरवाही होगी, प्राण निकल गया महाराज, अब प्राण की जगह जहां आपने प्राण बोला नहीं अब वो तद्भव हो गया। क्या हो गया? तद्भव। मूल में तो प्राणी है पर बोलने में हमारी कमी की वजह से वो प्राण हो गया। अब कोई आपसे पूछे प्राण अर्थ क्या, तो आप वापस सुनिए प्राण अर्थ क्या है, तो प्राण अर्थ हम कह देंगे प्र और अण। क्या है? प्र और अण हमारे 22 उपसर्ग प्रसिद्ध हैं। आपको सबको याद होंगे, मेरे कल मुझे विद्यार्थी संस्कृत उनसे पूछो आचार्यों से नहीं क्यों, प्र पर अपसम अनुभव निर आंगी अधि अपि अति सुबुध अभि प्रति परिरूप एते प्रादय। ये व्याकरण में भगवान पाणिनि ने अपने सूत्रों में 22 प्रादि प्र आदि में जिनके इस संघ को गिनाया है। वेद में दो शब्द और हो जाते हैं इसके अतिरिक्त, एक शब्द है शर्त। क्या शब्द है? शर्त। और एक शब्द है अंतर। तो श्रद्ध धन था, क्या बनेगा? श्रद्धा, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। हाँ, वो क्या है कि धा धातु तो धारण रखना ही, पकड़े रखना, धारण करना, कहाँ किसको पकड़े रखना, तो श्रद्ध जो श्रद्ध है उसका आधार बना के जिसको हम पकड़ के हाँ, तो श्रद्धा का अर्थ है श्रद्ध धा। श्रद्ध का मतलब है हृदय। श्रद्ध का मतलब क्या है? हृदय। अपने जीवन के दो पक्ष हैं, देखिए एक तो हृदय जिसको अपन दिल भी बोल जाते हैं लोक भाषा में दूसरी भाषाओं के संपर्क से, और इसके साथ साथ इसको श्रद्ध को दिल या मन के अलावा दूसरा है बुद्धि भी है। क्या है? बुद्धि भी, यानी अपना जो मस्तिष्क है इसने एक ही जगह पर दोनों का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र भी है। जब ये मस्तिष्क भावनाओं का केंद्र होता है तो हम बोले मन। क्या है? मन। और जब ये मस्तिष्क हमारे विचारों का केंद्र होगा तो बोलेंगे मस्तिष्क ही। तो एक ही ये जो है शरीर का भाग प्रमुख, इसमें मन भी है जो भावनात्मक है और मस्तिष्क भी है जो विचारात्मक है, और मन और विचार ये दोनों का जो केंद्र एक है, तो हमें ये तो सोचना ही पड़ेगा कि हमारा हर विचार मन के अनुकूल हो, और आवश्यक नहीं कि सारा विचार मन के अनुकूल हो ही हो, क्योंकि अगर मन हमारा असंस्कृत है, मन संस्कार संपन्न नहीं है, तो निश्चित बहुत खराब विचार भी हमारे मन में आ सकते हैं। तो हृदय उसको भले मान ले पर मस्तिष्क स्वीकार नहीं करेगा। तो हम मन को तो अच्छा बनाने की प्रेरणा करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। आप लोगों को मालूम है ये कहाँ का मंत्र का भाग है? यजुर्वेद में 6 मंत्र एक साथ है, और लगभग उन सभी का अंतिम चरण जो है तत्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इतना जबरदस्त शक्तिशाली जो मेरा मन है वो शिव संकल्प बने, अर्थात पवित्र संकल्प वाला बने, अर्थात मन में अपवित्र संकल्प भी तो आ सकते हैं। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस हमारे शक्तिशाली मन को आप ऐसा बनाइए कि वो सदैव अच्छे संकल्पों की ओर ही झुके, बुरे संकल्पों की ओर यानी कि भी न झुके। तो ये तो हुआ मन वाला। तो मन के लिए हमने कहा प्रतिनिधि मन शिव संकल्पम अस्तु। ये दो कैसे हो सकता है? मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, एकदम अपने आप करें, जिसे हम बोलेंगे आत्म प्रेरणा। अपने आप को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें पवित्र संकल्प वाला होना चाहिए,
पर अपने आप होते हुए भी हम जानते हैं कि सारी शक्तियां हमारी अपनी नहीं है, क्योंकि हम किसी अन्य में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए और अन्य जो कोई भी संसार में सबका एक ही वो ईश्वर है। तो ईश्वर से ही प्रार्थना की है, प्रभु मेरा मन आपके अनुग्रह से शिव संकल्पों वाला बने हो, यहां तो ही कहा। और दूसरी तरफ ईश्वर सीधा आदेश दे रहे हैं, जो रोज जप करने का मंत्र है, सभी लोग जानते हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र क्या है, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्रचोदयात्, वह मेरे मन को प्रेरित करे। आदि प्रार्थना नहीं है, किसको दिया है, कर्मों को, बुद्धि को, तो बुद्धि को प्रेरित करे तो ईश्वर से है कि वो मन तो आप करें करें, मैं भी यत्न करूंगा, आप भी कृपा कीजिए, किंतु मेरी जो बुद्धि है वो तो आपके द्वारा ही संचालित होगी। अर्थात हमारा मन अगर कभी अपने पकड़ के बाहर निकलेगा तो बुद्धि के क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सके, इस आपके अनुग्रह की प्रार्थना। तो सुबह शाम दोपहर तीन बार संध्या वंदन की अपने आप विधि है सभी के लिए, और तीन बार की संध्या विधि में कम से कम लोग अधिक नहीं कर सके, तो आदेश है कि प्रति संध्या में एक माला का जब हम कर ही लें तो उसका मतलब 324 मोटे तौर पर 300 बार हमें जब करते हैं, और 300 बार जब परमात्मा से उन्हीं के द्वारा अपने आप को निवेदित करके ये प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे बुद्धि को प्रचारित करें, प्रेरित करें, वहां जहां मेरे हित पे आप लगाएं, ये मैं आपसे शक्ति तो वह मन और दोनों के हम समान चाह। तो जब मन बुद्धि की हम बात करते हैं तो आप सोचिए कि जो पुराण और इतिहास के विषय में वेद को लेकर कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपप्रिंगयेत, सम उपप्रिंगयेत, दोनों को एक करके, सम का मतलब है एक। कभी कभी शब्दों के अर्थ को देख लेना चाहिए, हम जब संन्यास जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका क्या अर्थ है, सम्यक न्यास, तो आप पढ़ने के लिए अपना न्यास सम्यक नहीं करेंगे तो फिर संन्यास में क्या बात हो, ये ब्रह्मचर्य पढ़ाई कहाँ होती है, ब्रह्मचर्य में गृहस्थ में आपका संन्यास नहीं सीखा, हर चीज घर के आज की आवश्यकता आज ही पूरी कर लें, नहीं आज आलस्य कर गया तो हो सकता है दूसरे दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि उससे चौगुना खर्च होगा, व्यय लगेगा ना और शक्ति भी लगेगी। रंजन जी की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, एक ऐसी है कि घर की थोड़ी सी कुंडी टूट गई, अब किसान है निकलने में कष्ट भी होता है, समय पर नहीं निकल पाता, पर वो एक दिन आज करेंगे कल करेंगे, और एक दिन ऐसा हुआ कि दो भयंकर सांड या पशु व्रत से आए और आकर के ये कि मेल वेल वगैरह सब कुछ तोड़ उतार करके अंदर के खेत को बर्बाद कर सकती है। तो उसने कहा मैं यही कि पहले मान लेता और पहले ही दिन चला जाता, तो जो काल करे सो आज कर वाली बात हमारे यहाँ कही गई। तो सम का अर्थ आप सम्यक तो शब्द करेंगे ही करेंगे, पर सम्यक न्यास से संन्यास नहीं होगा, क्यों सम्यक न्यास में ना अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में भी सम्यक न्यास गृहस्थ में भी, सम्यक न्यास आपका इसमें भी है वानप्रस्थ में भी, और सम्यक संन्यास में। तो सम का शब्द एक और है, अब आप देखिए व्याकरण के बाद हम जिस क्रम पर आते हैं वो निरुक्त है, क्या है निरुक्त, निरुक्त निरुक्त में भगवान व्यास की एक जगह सम शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं सम इति एकी भावम आचष्टे, ये जो सम शब्द है क्या है, सम शब्द है ये एकी भाव, एकी भाव का मतलब क्या है, जो दो हैं उनको एक कर देना, एक एक है, है? एको तो एक यो एक भाव है, एक ही भाव है, जो वस्तु से एक नहीं है उन दो को मिला के एक करना, ये एक ही भाव करता है। सारे परिवार को नष्ट करके इसे उड़े छोड़ देना कि दो मैंने एक ही भाव कर दिया, ये नहीं है, तो सम का मतलब अच्छा अर्थ भी है और एक ही भाव भी। तो अब आप देखिए तो तन्ने मनः शिव संकल्प मस्तु, एकमात्र जो शिवत्व है, एकमात्र जो कल्याण है, एकमात्र जो मंगल है, उस मंगल के प्रति ही अपने सारे कल्प को लेकर के, भक्ति को लेकर के, सारी की सारी चेतना को लेकर के हो जाए, ये संकल्प एक ही भाव आ गया। आपने अगर एक काम का संकल्प कर लिया तो निश्चित रूप से उसके ऊपर दृढ़ चलना ही पड़ेगा, और जितना दृढ़ चलेंगे उतना ही संकल्प लेते चलो आज तो कर लो कल देखी जाएगी, आज चलो कल देखी जाएगी, ये संन्यास है ही नहीं,
तो सम का अर्थ है एक ही भाव। तो अब आपका ये जो है जब इतिहास पुराणाभ्याम जो है वेदम सम उपब्रिंग एक सम एक इतिहास पुराण दोनों में एकत्व आ जाए, इतिहास पुराण को और पुराण से इतिहास को और इनको वेद से पृथक न समझाए, इसका नाम है सम एक भाव। सम्यक तो करेंगे आप इसको करने के लिए, सम्यक यज्ञ तो आपका चलता रहेगा, सम्यक तो सहज है किंतु वास्तविकता से छाया अर्थ की पूर्ति होती जाकर के वो है सम एक भाव। तो समुप प्रिंग उप का मतलब है समीप और उपकार देखिए कभी कभी भी गड़बड़ जाती है, अपन लोग उपेक्षा का क्या करते हैं लापरवाही, तुमने दिलवा के अपनी उपेक्षा कर दी इसका फल तो भोगोगे, मैं शामिल नहीं मैं दहन दे रहा हूं तो उपेक्षा परंतु भगवान यास्क उपनिषद में बार बार इसमें क्या नाम अपना निरुक्त में बार बार प्रयोग करते हैं एवं इदम उपेक्षित अव्यम एवं, तो उनका कहने का है कि इसको बहुत अच्छी तरह उपपत्ति के साथ बाकायदा विचार करके देखो कहां पे उपेक्षा कर सकते क्या कर सकते उपेक्षा उपेक्षा लापरवाही और कहां सारी लापरवाही छोड़ करके और बड़ी परवाह के साथ जुड़ो। उपेक्षति का मतलब क्या हो जाए बहुत है। अब देखिए उस शब्द का ये कर जानने से कितना बड़ा जो है हम लोगों को फल भोगना पड़ता है, उसका नमूना भर वहाँ को आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो संस्कृत से हिंदी अर्थ वाले कोश में आपटे के कोश को काम में लेते हैं, नाम है हाँ वो आपटे जो है उनका इस कोश के बहुत कई संस्करण हो चुके हैं, एक विद्यार्थियों के लिए भी काम का छोटा संस्करण वो संस्करण मैंने पढ़ाई पर मैं चलो दे पढ़ने इतने काम, तो मुझे सबसे बड़ी भयंकर निराशा तो उपवेद शब्द का से देखती होगी क्या उपवेद, वो व्यक्ति अर्थ करता है घटिया दर्जे का व्यक्ति, एक कोषकार क्या कर रहा है घटिया दर्जे का, मैंने कहा राष्ट्रपति के साथ अगर उपराष्ट्रपति आ जाए तो घटिया दर्जे का राष्ट्रपति क्या जीविका के साथ उपजीविका हो जाए तो घटिया दर्जे की जीविका क्या पागलपन है, ऐसे नालायक के संसार में खूब है आपकी उनके प्रति श्रद्धा हो सकती है मैं उसको लगा नहीं रहा हूँ, पर मैंने उस कोश को एक बार देखा और जहां मैंने देखा कि ये वास्तव में इस जगह इसने क्या अर्थ किया क्या करना चाहिए वही मुझे और गलत मिला। तो उप आदि के अर्थों को पर देखे तो यहाँ पर उप का अर्थ होता है उपपत्ति पूर्वक, क्या है उपपत्ति पूर्वक, तो सम का मतलब एक ही भाव से और उपपत्ति युक्तायुक्त युक्त है अयुक्त है इसका विचार करके पूरी तरह तर्क को उपयोग में करते हुए हम इसको देखें तब है उपेक्षित व्यास कहते हैं सब तरह से यह युक्त अर्थ है या अयुक्त अर्थ है, युक्त है तो किस रूप में है अयुक्त है तो क्यों है त्याज्य है तो कितना है ग्राह्य तो कितना है, इन सब का उपचार करके आप शब्दों पर निर्णय लीजिए एकदम से घटिया दर्जे का वेद मत लीजिए। तो उपसर्ग अब उपसर्ग क्या होता है, अब अपने यहाँ जो 22 उपसर्ग है इनका भी एक वो नाम है, क्या नाम है पारिभाषिक पारिभाषिक नाम है, पर उपसर्जन उपसर्ग इन्हें उपकार क्या होगा आप सोचिए तो पुराण के लक्षणों में सर्गस्य प्रति सर्गस्य वंशीय मनमंत्राणी से इसका दूसरा रूप दिया गया सर्ग का प्रतिसर्ग उपसर्ग सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनमंत राणी च प्रतिसर्ग, तो उपकार प्रतिसर्ग हो जाता है उपसर्ग, तो इन सब चीजों को विचार करके अंक नहीं तो अब आप उपनिषद शुरू कर लीजिए। लोग क्या कहते हैं उपनिषद समझाने के लिए कि गुरु के पास चरणों में जाकर बैठ करके जिसका ज्ञान लिया जाए वो शास्त्र है उपनिषद। तो मैंने कहा हमारे वैयाकरणों के निरुक्तकारों की दुर्दशा हो गई, उनका तो माथे पर सवार हो कि बाजार क्या है कमाल उपनिषद ये कैसा है, तो व्याकरण के लिए गुरु के प्रति वही श्रद्धा अपेक्षित नहीं है क्या, शास्त्र जितना भी है। अरे अपने यहाँ पे एक शब्द के लिए कहा कि एक शब्द भी कबीर से अनुवाद किया परे अपावन ठोर में कंचन तजेन कोय उत्तम विद्या लीजिए जगत नीच पे हो, आदमी का धंधा क्या है क्या नहीं इसका कसाई है वो कसाई का
जिसको न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि इसको सजा देनी है उसे काटेगा, दूसरे को नहीं काटेगा। तो वो तो अपने विधान का पालन कर रहा है, नहीं तो आपके न्यायाधीश की सजा देख सकते आप खुद दे देंगे न्यायाधीश समझे, या जिस राजा के यहाँ काम कर रहे हैं उसको कहेंगे तो काट। पर नहीं, तो वहां पर कसाई का अर्थ है वो केवल न्याय के पालक जो है व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर रहा, उसको एक पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति मेरा निकट है नहीं है, कोई दूर रिश्तेदार रहा परिचित रहा है, इसको मैं जानता हूँ, पते ही कुछ नहीं निरी भाव से, और उसको मार के वो प्रसन्न भी नहीं होता। तो इस प्रकार से हम एक एक शब्द को देखें थोड़ी देर के लिए तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में शब्दों के अर्थ को तो जो ये कहा है उपपत्ति वेद ने एक बात को मान लीजिए, हम लोग खुद का भी कहते हैं वेद पर ऐसा नहीं कहेगा, पठन का वेद का अच्छा गंभीर अर्थ नहीं कहेंगे, तर्क मत करो, आप सुनते हैं तर्क मत करो, क्यों भाई तर्क मत करो ऐसा क्यों? तो कहते हैं तर्क जो है उससे आप सत्य को नहीं पकड़ो। और यह मनु जैसी व्यक्ति यस तर्केण अनुसंधत्ते, जो तर्क के द्वारा, तर्केण यह माने जो तर्केण तर्क से अनुसंधत्ते वेद के अर्थों का अनुसंधान कर रहा है खोज कर रहा है वो वेद को समझता आम व्यक्ति नहीं। तो वेद में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए यदि मनु है, और उसको समझने के लिए तर्क एक पल भी नहीं छूटना चाहिए ये भी वेद। अब इन दोनों में सामंजस्य, देखिए सम शब्द एक बार पांव शब्द आएगा, दोनों में सामंजसा एक से स्थिति किस तरह हो ये सामंजस्य एक ही भाव, एक ही भाव यह होगा कि जो वेद के अंतिम निर्णय के प्रतिकूल कहीं भी नहीं जा सकता है ऐसा तर्क, दूसरे शब्दों में कहें कि जिस तर्क का विश्राम वेद के आदेश में हो जाता है, कहाँ हो जाता है वेद के आदेश, अन्यथा महाभारत में भगवान वेद के आदेश लिखते हैं तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनि यश स्मृति प्रमाण, कि तर्क और प्रतिष्ठा, तर्क क्या है इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा का मतलब इज्जत या टिकाऊ, टिकाऊ हम लोग कहाँ प्रतिष्ठित हैं भूमि पर, एक क्षण के लिए भी भूमि को नहीं छोड़ सकते हैं, वायुयान में बैठे हैं तो वृक्ष में सारा पदार्थ किसका है भौमिक पार्थिव पदार्थ, ट्रेन पार्थिव रस पर बैठे हैं तो वहीं से बैलगाड़ी से शुरू कीजिए, एक बैलगाड़ी एक व्यक्ति की माँ की गोद में है फिर भी भूमि पर है, क्योंकि माँ का आधार तो भूमि प्रतिष्ठा। तो तर्क और प्रतिष्ठा अर्थात खाली ठोटा ऐसा तर्क भूमि रहित आधार रहित आधार शून्य अर्थात बेमतलब तर्क को प्रतिष्ठा होकर, तो इसलिए तर्क को आप प्रतिष्ठित मत कीजिए। तो फिर क्या करें, तो नहीं कहे मुनि, मुनियों ने अपने अपने हिसाब से सोचें कि अब किस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में क्या बात कही है, ये सोचने की बात है। अब एक साथ दो मरीज आ रहे हैं, चिकित्सक कहते हैं भाई पागल हो, खाना 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 क्या लगा रखा खाना, खाना छोड़ो नहीं मर जाओगे, सुन रहे हैं अब चूंकि मरीज है चिकित्सा के लिए आया है वेद के या वैद्य के उस आदेश को मानना पड़ेगा, तो वो विचार कर रहा है दूसरे मरीज से बातचीत है गए क्या है कि मैं खाता नहीं हूँ, क्यों मरना है कि जो खाने लगे भूख लगे न लगे पर तुम्हें नियमित रूप से कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। अब एक व्यक्ति को कह रहा मरना है क्या जो खाना छोड़ और दूसरे कह रहे मरना है क्या जो खाना नहीं खा रहा, अब हम क्या अर्थ करें, स्वाभाविक है कि वो वही दोनों के लिए एक ही बात कह रहा कि अन्नम वही जीवनम, अन्न ही जीवन है। अब उस अन्न को जीवन न मान करके आप अपने केवल भोगों का मन के इंद्रियों के इनके स्वाद का आधार मान करके अगर खाना शुरू कर देंगे तो आप कम खाएं ज्यादा खाएं निश्चित रूप से वो अन्न तो हानि कर ही है। आज यही तो हो रहा अपने आप कि जो दूध छाछ इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो उधर से छूटती जा रही और नाना प्रकार के वो पेय चले आ रहे हैं कि जहाँ दो दो चार चार पाँच पाँच भी अम्ल पदार्थ एक साथ मिला दिए जाए
और उस दो अम्ल पदार्थों का विष जैसा जो भाव है उसको भुला दिया जाए और फिर दिन भर खाया जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में आएंगे कि एक एक घर वाले उठा करके डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो हम ही नहीं रहेगा। और वो डॉक्टर कहता तो इसका तो आजकल क्या बोलते हैं इतना वो पैसों का राशि का इतना वो एक बनेगा इतना पैकेज, बाप रे वो कह 2 लाख रुपए का पैकेज है, अब झक मार के आपको 2 लाख स्वीकार करने पड़ेंगे। कभी आपने इस पैकेज के विषय में सोचा? और अच्छा पैकेज लेना कहाँ तक जाएज है? मरीज की चिकित्सा करना ये पहला धर्म है। अपने यहाँ तो बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हैं कि एक व्यक्ति के पास में मरणासन्न व्यक्ति आ गया, वैद्य था, तो उसने उसको देखा, जब पास में जाकर देखा तो ये तो हमारे राष्ट्र का घोर शत्रु है, पर नहीं, वैद्य ने उसकी चिंता और उसको घर ले गया। अब उस बेहोश व्यक्ति को होश में आने में कितना समय लगा होगा, क्या क्या किया होगा, क्या क्या वैद्य ने उसकी सेवा की होगी, परिवार में कितने लोगों ने उसके साथ किया, उसके नौकर चाकरों ने कितना साथ दिया, सब कुछ रहा होगा। जो व्यक्ति ठीक हो गया और अब उसे विदा करने का समय आया तो वो कहता तलवार उठा और पहले मैं उससे लड़, क्योंकि तू हमारे राष्ट्र का शत्रु है, तुझे मैं मारूंगा। तो क्या तुम मारने के लिए उसको इतनी दवाई दी, या पहले हाथ से मारने से पुण्य होगा? कि नहीं, राष्ट्र का शत्रु प्रत्येक का शत्रु, प्रत्येक में वैद्य भी एक विमानसक भी है, अहिंसा परमो धर्म के व्याख्याकार भी है, तो क्या उस प्रत्येक को दृष्टि में रखकर हम ऐसा करें? तो कहीं व्यक्तिक के धर्म के नाते राष्ट्रीय को इनको बिना सोचे समझे मार डालना चाहिए, ये कौन कह रहा है? मनु जो हमारा सबसे पहला व्यक्ति जिससे जन्म लेने से हम क्या कहलाते हैं, मनुज, क्या कहलाते हैं, मनु से पैदा हुए इसलिए हम लोग कहलाते हैं मनुज, मनु की संतान इसलिए कहलाते हैं मानव, जैसे रघुवंश की संतान उनसे राम दशरथ और उसके आगे आने पीढ़ी वाले आज तक सारे लोग राघव कहलाए, यदु के वंश में पैदा होने वाले यादव, तो यही क्या है, तो मनु मानव, तो इसका मतलब हर तरह से हमारे संत मनु से, और स्वयं वो मनु सबसे पहले मनु है जिनों के ऊपर मनुष्य के सारे जीवन का आधार है। तो वो मनु जो कह रहे हैं तो मनु की बात को माननी पड़ेगी, और मनु ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, गुरुम्बा, देख सबसे पहले किस पवित्र वस्तु को लिया, गुरुम्बा, दूसरा बाल वृद्ध हुआ, क्या गुरु हो तुम्हारा या कोई बालक ही हो जिसके ऊपर हमें दया करनी चाहिए, या वृद्ध हो कि जो रास्ते में अकेले जा रहा गिरने की संभावना आपने हाथ कर लिया उसको सड़क पार करवा दी, जिसके लिए इस प्रकार के भाव है, अथवा ब्राह्मणम व बहुश्रुतम, संपूर्ण शास्त्रों की व्याख्याओं में निष्णात ऐसा एक ब्राह्मण हो, तो आतताई न मायांतम हन्यात एव अविचारयन, अगर वो आपके सामने आतताई रूप में खड़ा है तो मत सोचो कौन है, एक बात केवल देखें जो आतताई है, केवल एक बात आतताई आतताई अविचारयन, बिना विचारे हन्यात माता है, हन्यात, ये छोटी छोटी बातें देखिए, अपन लंबा तो लग जाता है थोड़ा सा भैया, और ऐसा लगता है कई बार जैसे मुख्य विषय को छोड़ दिया है, उसको हमने छोड़ा नहीं है, उस पर आने के लिए विचार के अनेक जो मार्ग हैं, अनेक परिस्थितियां हैं, अनेक तौर तरीके हैं, उनको जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक शास्त्रीय मर्यादाएं हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे। बीच में छोटा सा धन दे देता हूँ, कुछ दिन पहले झगड़ा पैदा हो गया था, या हनुमान जी को किसी ने पिछड़े वर्ग का पता दिया था, और अपने यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम शायद उसमें योगी आदित्यनाथ है, मतलब हनुमान जी को कहते हैं, अब देखिए भी जो आदित्यनाथ हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और वो एक ही व्यक्ति वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक लोग जब इस प्रकार का अर्थ पकड़ते हैं तो हमारे आम हमारे जैसे आर्ट्स वाले लोगों की तरह से लापरवाही से काम नहीं करते, बड़ी गंभीरता से, मैंने जिन जिन वैज्ञानिकों को देखा कि वो वेद आदि की तरफ झुके हैं उनको मैं अपने और साथी के पीछे ज़्यादा अच्छे रूप पाता हूँ, तो वो वैज्ञानिक है और काफ़ी समय तक उसने खूब अच्छा शासन भी किया, आज से भी मुख्यमंत्री, पर चूंकि वही विभेद त्यागृतादिवेद मामयम प्रहरिष्यति, अल्पश्रुत अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति से वेद डरता है कि अब ये मुझे अंगहीन करने के लिए आ गया, क्यों
ये हनुमान जी है कौन है पिछड़े दलित हाँ दलित अरे दलित क्या होता है आपके दाल शब्द किसे बना दो की दाल है उसके अलग हो जाएंगे और पूरे आपने उसको पीस लिया उसके अलग गुण दोनों जगह आटे एक सही है चूर्ण दोनों का एक सही है पर एक आपके दाल के जो दोनों दल हैं उन दलों का चूर्ण अगर मिलेंगे दो नहीं पर दल का चूर्ण और एक इकट्ठी दाल को आपने पीस लिया और उसका चूर्ण और मिठाइयों का जो तरीका रूप रंग वगैरह स्वाद वगैरह नाना प्रकार के यहाँ तक नहीं औषधियों में भी इनका प्रयोग इसी प्रकार से होता है कि आपको दाल के दलों को देख करके ये इस मात्रा में अमुक रोग के लिए काम में लेने वाली औषधियों में एक है और एक आप सीधे के सीधे उसको दीजिए तो ये दलित शब्द का अर्थ है जिसको दल करके ही काम में लिया जाए आप में से कितने लोग इनको दल कर खा जाते हैं और फिर हनुमान भगवान हनुमान के जैसा दुनिया में कोई दूसरा हुआ ही नहीं है हनुमान के विषय में देखिए गड़बड़ ये हो रही है कि हम लोग पूरी जिंदगी निकल जाती है पूरी पर वाल्मीकि रामायण पूरी जिंदगी नहीं पढ़ते कभी नहीं पढ़ते क्यों इससे पढ़कर महापाप दूसरा संस्कृत के लिए है ही नहीं और इसका कोई प्रायश्चित्य भी नहीं है कैसा भयंकर पाप है हनुमान जब पहली बार भगवान राम से मिलते हैं और वो मिलते क्यों हैं कि सुग्रीव को भय लगा कि धनुष और तीर धारण किए दो व्यक्ति और इस प्रकार जंगल में घूम रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाली ने मुझे मारने के लिए इनको नियुक्त किया हो और बाली को तो पर्वत के शिखर पर आने में पाप था क्योंकि शाप था पर ये तो आ सकते हैं तो हनुमान जी अगर मालूम करो युक्ति से यानी बाली आप कौन हो सुग्रीव मारने तो नहीं आए हो नहीं पर हनुमान जैसे व्यक्ति को भी सुग्रीव अपने प्राणों को बचा कर युक्ति से मालूम करो और फिर मुझे बताओ कि अपने यहाँ रुके या यहाँ से भागे तो हनुमान जी तो ठीक है तो हनुमान जाकर जब उससे बातचीत करते हैं राम से कृष्ण से अर्जुन से सॉरी लक्ष्मण से तो वह क्या है बात हनुमान की पूरी हुई उसी वक्त भगवान राम का पहला वाक्य है अर्जुन लक्ष्मण को संबोधित करके कि देख लक्ष्मण क्या कि इस व्यक्ति से कोई बोलना सीख सकता है कि बोलना क्या होता है हाँ या तो आप हम लोग की दृष्टि से राम को इस मामले में सुना मान लें कि बेचारों ने वेद नहीं पढ़ा होगा वो कहते हैं नांद्रिक वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिण ना साम वेद विदुष सत्यमेव विभाषित या प्रभाषित दोनों पाठ कि जिस व्यक्ति ने ऋग्वेद नहीं पढ़ा जिस व्यक्ति ने यजुर्वेद नहीं पढ़ा जो व्यक्ति सामवेद को नहीं जानता वो इस व्यक्ति की तरह से बोलने की सामर्थ्य रख ही नहीं पाता है इसका मतलब एक वाक्य में सीधे से बात रामने के लिए तीनों वेदों का धुरंधर व्यक्ति अब यहाँ राम को अर्थ से कोई मतलब नहीं है क्यों मैं अभ्यास उम्र रही बोलने का तरीका बोलने का ढंग किस प्रकार से बोला जाता है किस प्रकार से नहीं बोला जाता है किस बात को कहाँ किस अवसर पर कैसे कहनी चाहिए इन सब बातों मुझे बहुत अच्छे से समझ रहा है इससे बढ़कर कौन तो तुम तो इसे आगे फिर तो राम ने जो कुछ कहा है वो तो ऐसा है कि जैसे कोई भाट किसी अन्नदाता की प्रशंसा कर रहा हूँ कौन है भगवान राम यानी मुझे भगवान से हम थोड़ी देर के लिए दूरी करते कोई आपत्ति नहीं मतलब जैसे गुरु को भगवान बोलते हैं ऐसे हमारे लिए भगवान कृष्ण भी भगवान राम भी है सभी अवतार जितने भी हैं आप जैसे महापुरुष है वही सब भगवान है गीता में कृष्ण ने एक ही वाक्य बड़े शानदार ढंग से कहा और वो सबको याद होना चाहिए यद्यद्भूति मस्तत्व श्री मधुर जित नय हुआ तत्त देवावगंतव्यम मम तेजोंश संभवम अर्जुन मैं तुझे कहाँ तक अपने विश्व की विभूतियों की गणना करूँ जहाँ अपन खड़े हैं युद्ध के लिए और मैं तुम्हें युद्ध के लिए तैयार कर रहा हूँ वहाँ प्रवचन का इतना लंबा छोड़ा अवसर नहीं है कि मैं तुम्हें सारे उदाहरण दूँ तुम तो एक वाक्य में सगलम कहा तो यत जो जो भी विभूति मत विभूति से संपन्न सत्वम प्राणी है मनुष्य नहीं यावन मात्र प्राणी पदार्थ भी यद्य विभूति मत सत्वम अथवा श्रीमद जिसके
आभा मंडल चमक रहा हो, ऊर्जितम जिसमें ऊर्जा की प्रचुरता है, यत यत जो जो विभूति मत विभूति से संपन्न, शोभा से शीश से संपन्न और ऊर्जा से संपन्न पुरुष है, तत्त्व उस व्यक्ति को अवगंतव्यम पूरी तरह जान लो, मान लो। क्या मान है कि मम तेज अंश संभवम, वो या तो मेरे तेज से पैदा हुआ है या मेरे कुछ अंश से पैदा हुआ है। जब इतना स्पष्ट कृष्ण ने कह दिया है तो अब ये सोचने का अवतार वाद ठीक है नहीं है और उसको पलड़ना और अपने आप को वैदिक करना कैसे, कोई ऐसी कृत्या कृषि होगी जो वैदिक कहते हुए राम आदि के अवतार पर प्रश्न खड़ा करता है, है? कोई तो हुआ नहीं क्या? अरे सॉरी माफ कीजिए। हाँ, अपना भगवान दयानंद, उन्होंने वैदिक व्यवहार में इसी प्रकार की भयंकर शिथिलता को देख करके एक 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 प्रार्थना की है, वेद पकड़ो, वेद को रोको, वेद से बिना कुछ भी नहीं। तो जो व्यक्ति सारा जीवन वेद संबंधी पकड़ के लिए आपको दे चुका है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी इसी वजह से हुई और वो व्यक्ति मृत्यु में कारण बने, उस रसोईया के लिए क्या करता है कि किसी दयानंद को कहीं से कुछ पैसे मिले थे किसी ग्रंथ को प्रकाशित करने कराने के लिए, तो वो उस रसोईया से बोलते हैं पैसे दे और लोगों को पता चले कि तूने ऐसा बुरा काम किया तब तक तो निकल गया यहाँ से नहीं तुझे मार डालेंगे, और वो दयानंद के पैर पकड़ करके और वहाँ से निकल करके बच गया होगा, बचने की चेष्टा की होगी। तो जो अपने भयंकर रूप से घातक को क्यों तो दे दिया जहर, और वास्तव में जहर का दयानंदी को भी जोरदार ढंग से अपनी शक्ति से और चिकित्सकों से हटाना भी पड़ा था। उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसको हम लोगों ने बाद में कितने उत्तर ढंग से समझ लिया कि आज बेचारे आर्य समाज के लिए एकमात्र विकल्प रह गया कि उन लोगों में बैठकर जब तक अवतार की निंदा नहीं करें तब तक ऐसा लगता ही नहीं को आर्य समाज वैदिक। मैं आर्य समाजियों को अपने से अच्छा मानता हूँ क्योंकि कम से कम दो चीजों ने वापस बुला लिया, प्रतिदिन संध्या और प्रतिदिन अग्निहोत्र, सुबह शाम दोनों को एक दूसरा। मैंने एक बार और देखिए इसको अपन वैयक्तिक में है और सोच समझ के लें कि अपने यहाँ जब वैवाहिक जैसे महान पर्व के लिए जब पुरोहित के रूप में पंडित जी आते हैं तो क्या करते हैं, आप अगर ध्यान नहीं गए हो कभी तो आज मेरे कहने से ध्यान दीजिए और ऐसी भाव जाकर पंडित जी सुनिए, ईश्वर की कृपा से आपको एक भी वेद मंत्र सुनाई नहीं देगा। स्वाहा, अरे हम पुरोहित हैं, क्या है पुरोहित, पुरोहित का मतलब आगे सामने रखा हुआ हमें मार्ग लेना है। तो आज आपका ये व्हाट्सएप वगैरह में ये गूगल को लेकर चल रहा है, गूगल ही ना संस्थान का जो इस सारी जीता सुविधा, और आप आगे बढ़ते जाइए तो आपका पुरोहित कौन है रास्ते दिखाने वाला, पूरी यात्रा कर लीजिए आप पहुँच जाएंगे। तो जो पुरोहित है अर्थात हमारे लोग और परलोक दोनों को हमें समान रूप से दिखाने का काम करता है और उसके लिए उसको अवसर मिलता है रोज भी, और रोज नहीं करते कम से कम आप लोग जो नाना प्रकार के अपने संस्कार करवाते हैं उन जो भी संस्कारों में, ये जो कोई संस्कार भी एक है, वैदिक शिक्षा देने का संस्कार भी एक है, आपके वैवाहिक संस्कार भी एक है और आगे सर उन संस्कारों में अगर पूरे स्वाहा कर देगा तो आपके हमारी स्वाहा हुई है या वेद मंत्र की स्वाहा हुई है या उस कर्म के लिए हम अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा समर्पित करते हैं वो स्वाहा। स्वाहा स्वाकार है स्व, अपन जानते हैं आप ऐसे कोई आहुति देने के बाद में एक छोटा सा वाक्य बोलते हैं, इदम इंद्राय नमः, इदम नमः, क्या ये जो मैंने आहुति दी है वो इंद्र के लिए दी है, मैंने अपने लिए नहीं दी, अर्थात इंद्र की जेब में रिश्वत के पैसे नहीं डाले हैं कि मेरा ध्यान रखना, विशुद्ध रूप में मेरा कोई स्वार्थ या निहित नहीं है, इंद्र जिस रक्षा के लिए जिस काम के लिए हमारा
फर्स्ट रजिस्टर बनना, हमारा रक्षक बनना है, केवल उसका स्वरूप हमें मिलता रहे, उसके स्वरूप को बल देने के लिए मैंने काम किया। तो प्रत्येक स्वाई आहुति के बाद जब ये बोलती हैं कि इदम अमुक देवाय नमः इदम न मम, वो न मम तो बोलते जा रहे हैं दुनिया भर के स्वाद संकल्प लेकर के हम सारा कर्मकांड करवा रहे हैं। नाराजी हो जाता अच्छा, ये हो जाता अच्छा, वो हो जाता अच्छा, एक के बाद छूटे दूसरा, दूसरे बाद छूटे तीसरा, तीसरे बाद छूटे चौथा, बाप रे बाप, फिर कहाँ गए वो परलोक। और यहाँ जो मैं कहने जा रहा हूँ पुराण को लेकर के, यही है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समूप बृंगये, इतिहास पुराण के द्वारा वेद को बहुत अच्छे, वो सीधा से शब्दों में अर्थ है तो आपका भारतीय संविधान, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल नहीं गड़बड़, संपूर्ण भारतवासी के लिए, यहाँ तक कि विश्व की लिए भी, वो एक आपके संविधान में कहीं मनुष्य के साथ शत्रु का जो है भाव रखो नहीं बताया जाएगा, जाति पाति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर किसी भी तरह की कोई गंदी भावना नहीं है, केवल मनसा वाचा कर्मणा आप अपने राष्ट्र को अपना सब कुछ समझें, इतने से यही तो वेद कह रहा है। वयम राष्ट्रीय जागृयामक पुरोहिता, ये पुरोहिता समाज के अग्रगण्य बनेंगे हम लोग, पुरोहित का अर्थ है समाज के अग्रगण्य, हम जो इस पर अध्यापक क्या है पुरोहित, ज्ञान का पुरोहित वही है, एक सैनिक क्या है पुरोहित है, कि किस प्रकार से हम अपने प्राणों को तुच्छ से तुच्छ समझ करके बिना किसी कष्ट के नष्ट कर देंगे, उसकी आहुति दे देंगे, उससे बड़े पुरोहित दूसरा कौन होगा। तो वो पुरोहित वयम हम राष्ट्रीय अपने राष्ट्र के विषय में पुरोहिता पुरोहित बने रहे, यह आत्मसंकल्प है क्या, ये कहीं मांग नहीं है, जिस वेद ने इस प्रकार की बातें मांगी है उसमें यदि हम इस लोक जीवन को ही भूल जाए, पुरोहित जीवन को ही भूल जाए, तो जो इससे आधार पर बनने वाला हमारा मनुष्यता के दर्शन करने वाला साक्षात्कार कराने वाला जो ऋषित्व जीवन है लोक से ऊपर उठकर, वो कब आएगा, कहाँ से आएगा, जब लोक पालन ही नहीं होता। तो लोक पालन हमारे यहाँ पहली शर्त है, और हमारा आधार है राष्ट्र, और राष्ट्रीय अगर विपत्ति में पड़ गया था, आप देखते दूसरी बात मुझे ध्यान आगे कि हम लोग जब संध्या वगैरह करते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उपस्थान के लिए चार मंत्र लेकर के, किसको दे रहे हैं, सूर्य, सूर्य, सूर्य क्या है, एक प्रकाश का पुंज गोला, जड़ क्या हो, जड़, तो ये तो हमारी जड़ को यहाँ से करता, इसका मतलब ये जो तथा करके सनातनी है इन लोगों ने समझा ही नहीं है, और जड़ पूजा की आदत है, ये कौन कहते हैं वैदिक लोग, अरे समाज वो ये क्यों नहीं जानते पगलों, वेद मंत्र क्या कहते हैं, सूर्य आत्मा जगत, ये जो सूर्य ये है आत्मा, क्या है आत्मा, किसकी जगत, जितने भी जंगम है चलने फिरने वाले प्राणी है, न चलने फिरने आते हिलने डुलने वाले, क्योंकि पेड़ पौधे चलने फिरने काम नहीं करते हैं, वो केवल हिलते डुलते हैं, पर प्राणी है हम भी प्राणी, और जब तस्थ ठहर हिमालय एक जगह ही है, तो इस प्रकार के जंगमशील और एक जगह ठहरे समस्त प्राणियों की आत्मा है, आत्मा से बढ़कर विष्णु में क्या है, हम जब संतान को बोलते हैं आत्मज, क्या बोलते हैं आत्मज, किस की आत्मा, अपनी आत्मा, हमारी आत्मा ने हमसे भिन्न एक दूसरा रूप ले लिया, तो ये आत्मज कहने में बुरा नहीं लगेगा, प्रसिद्धि है, पर ये ब्रह्म का सारा संसार है, यहाँ आके हमारे दर्शन के दार्शनिक लोग बच्चे लेकर खड़े हो जाएंगे, तो देखो भगवान शंकर ने अद्वैतवाद को लेकर के वेद की व्याख्या की है, हमारे परवर्ती आचार्यों को सही नहीं हुआ, कोई द्वैतवाद, कोई विशिष्ट द्वैतवाद, कोई कैसा द्वैतवाद, 50 तरह से शंकर का खंडन करना वेदवाद, इसको कहा था तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क की प्रतिष्ठा वहीं तक है जहां तक हम उद्देश्य को लेकर चलें और वेद के विपरीत कहीं नहीं जाए, तो ये तर्क है, तो इस दृष्टि से कहते हैं हम इतिहास और पुराण, अभी आप इतिहास को ले लीजिए, जिसको बार बार मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं वेद ने इतिहास नहीं, क्या है वेद ने इतिहास नहीं, सही बात, वो डरते हैं, क्यों डरते हैं कि वेद तो आना चाहिए,
और इतिहास क्या है? घटी हुई घटना को बोलना, जो कुछ घट चुका है उसको वर्णन कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ में, और यहाँ से चलने फिरने के नियमों का उल्लंघन करके, और गाड़ी निकल रही है और सभी साइकिल वाला पैदल ही टकरा गया, मर गया। अब ये एक घटना घट गई, अखबार में ही हमने पढ़ लिया, हमें इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो क्या ये इतिहास नहीं है? तो कहते नहीं, ये इतिहास नहीं है। तो वेद जिस इतिहास की बात, यहाँ तो आना पड़ा विचारों, वेद जिस इतिहास की बात करता है वो इतिहास है सनातन, जो कभी नष्ट न हो, और जो आगे नष्ट हो जाए वो इतिहास का रहा, तो फिर सामान्य इतिहास है। इसलिए आप लोग जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो सामान्य इतिहास है, सामान्य इतिहास की बात हम कर रहे हैं वो वेद में नहीं है, वेद में तो वो है। तो ये तो प्रसंग आगे आएगा जब अपन देखेंगे, पर मैं जो कह रहा हूँ पुराण के विषय में जो बातचीत उठाई थी मैंने वो यही है कि अब आप सोचिए कि जब इतिहास पुराण अभ्याम वेदम समूह बृंग भगवान व्यास जैसे व्यक्ति बार बार कह रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर हम अंगुली उठाएं कि नहीं व्यास ने बिना सोचे समझे कह दिया? अब व्यास ने बिना सोचे समझे कह दिया इतने कहने की हमारी शक्ति नहीं है, इसलिए व्यास का नाम तो नहीं लेंगे, पर वेद का हम तिरस्कार करेंगे, इतिहास का तिरस्कार करेंगे, ये कहाँ तक जाएगा? मेरा मतलब ये है कि हम वेद के प्रति अगर निश्चल रूप से और वास्तविक श्रद्धा और भक्ति रखते हैं तो हमें वेद के साथ एकाकार होना पड़ेगा। एकाकार होने का मतलब है कि वेद के सनातन सार्वभौम, सनातन और सार्वभौम संदेश से बाहर नहीं निकलना है। अब आप सोचिए वेद के मंत्र में इतिहास शब्द आता है, वेद के मंत्र में पुराण शब्द आता है, अथर्ववेद अपना चौथा वेद है, इस अथर्ववेद में एक व्रात्य सूक्त है, क्या सूक्त है? व्रात्य, व्रात्य शब्द का अपन तो लिखते हैं कि जिनके यथा समय जो भी ज्ञानी चाहिए नहीं होती है, तो जो इस प्रकार से अपने वर्ण से भ्रष्ट हो गए हैं ऐसे अनेक लोगों को समझाया कर जाता है व्रात्य, पर वो व्रात्य शब्द परमात्मा के लिए, किस लिए? व्रात्य। तो वो कहते हैं कि इस व्रात्य के पीछे ये सारे वेद आदि शब्द हैं, क्या? जहाँ व्रात्य जाता है वहाँ वेद और पुराण वगैरह जाते हैं। तो कहते हैं स उदीचिं दिशिं अनुप्रचलत, वो व्रात्य उत्तर दिशा की ओर चला, तम इतिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसश्च अनुप्रचलन, उसके पीछे पीछे व्रात्य के पीछे इतिहास चला है, पुराण चला है, गाथा चली है, नाराशंसियां चली है। एक दूसरा तीसरा वाक्य है इतिहासस्य च वै पुराणस्य गाथानां नाराशंसिनां प्रियं धाम भवति, वो व्यक्ति जो इस सत्य को समझ लेगा वो इतिहास का, गाथा का, नाराशंसियों का और पुराण का सबसे प्रिय धाम, तेज स्थान होना। तो इतिहास पुराण को समझने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और यह बात वेद मंत्र कह रहा है, और हम जब कहते हैं वेद में इतिहास ही नहीं, क्योंकि वेद तो सनातन है, और सनातन इतिहास में कल रावण पैदा हुआ और मर गया, राम पैदा हुआ चला गया, कृष्ण पैदा हुआ चला गया, आएंगे नहीं, इसलिए वेद में इतिहास है ही नहीं। अब आप सोचिए हम सत्य को कितना समझ पाएं और सत्य को किस प्रकार से समझ पाएं। एक दूसरा शब्द ये और भी कि इतिहास और पुराण आदि जो नाम है, ये नाम में ये जो पुराण पाँचवा नाम है ये स्वयं वेद के देता है, अच्छा वेद का एक मंत्र है, और याद रखना चाहिए कम से कम आप लोगों को जिनका संस्कृत से सीधा संबंध है। ऋचः सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा सह उच्छिष्टा प्रक्रिय सर्वे दिवि देवा दिवि श्रुत, ऋचः समस्त ऋचः, ऋचः छंदांसी, छंदांसी का मतलब है सर्व सारे सारे इसके क्या नाम यजुर्वेद के मंत्र इसके अथर्वेद के, और सामान्य साम यजुषा सह और यजुर्वेद के साथ में पुराणम पुराण, तो जिप ऋग यजुर साम और अथर्व चारों नाम आप वेद के लिए देते हैं, उनके साथ में जब पुराण को उनके बीच में लेते हैं तो क्या गायों के झुंड के बीच में किसी भैंस को ले रहे हैं?
या गायों के झुंड में पांच गायें बोल रहे हैं, चार गायें सब कोई बहुत बड़ी बड़ी संख्या नहीं चार, और उसमें एक संख्या नहीं दिखे ऐसा भी नहीं है, तो चार गायों के बीच में एक भैंस खड़ी हो तो हम कहेंगे पांच भैंस खड़ी हो, या पांच गायें खड़ी है दोनों विभाग के अतिरेक है, दोनों ही अपने लिए ठीक नहीं है। अरे भाई साहब कहो कि चार गायें, तो आप ये कह सकते हैं संस्कृत के वाक्य की दृष्टि से महिष पंचमा का वह, ये भैंस जिनमें पांचवी है, ये गायें क्यों जो समुदाय है उसके नाम प्रकट होती है, तो चार का समुदाय ये एक है, तो जैसे अपन बोलते हैं ना क्या नाम चार जो वर्ण होते हैं इन चार वर्ण के साथ में पांचवा एक और ले लें तो भले वर्ण नहीं है पर वेद की दृष्टि से इनको पंचजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचजन। तो कौन? तो कहते हैं निषाद पंचमाश्चत्वारो वर्णा, निषाद है पांचवा जिनमें, ऐसे ये चार वर्ण, इसका मतलब निषाद को उन्होंने वर्ण के साथ ही माना है। किस रूप में? मनुष्य पंचजन। तो मनुष्य के रूप में ये पांच है, पर जहां हम आंतरिक विभाग को देखेंगे ये चार कहलाएंगे वर्ण और ये एक कहलाएगा निषाद। अगर छोटी छोटी बात अपन ध्यान दें तो ये जो आज ये क्या नाम ये शूद्र के वो लेकर के जो बात है उसी समझ में, इनके लिए कहीं अवसर ही नहीं है, कहीं अवसर नहीं है, पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं वेद को इसलिए व्यापक दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए प्रश्न खड़े होते हैं। अब देखिए निषाद है पंचम, अब निषाद का अर्थ क्या है? भगवान ये उदाहरण दिया है यास्क ने और अपने निरुक्त में, तो निषाद है पांचवा जिनमें ऐसे ये चार वर्ण पंचजना पांच जन कहलाते हैं। तो उसका मतलब ईश्वर ने पांच प्रकार के लोगों की सृष्टि कर दी। कितने? पांच। उनमें चार तो एक है जो वर्ण में आ रहे और पांचवा वह है जो अभी वर्ण में नहीं आया, कोई वर्ण क्यों नहीं आया? अरे इनके चार के काम निश्चित है भाई, एक ब्रह्म को पकड़ के चल रहा है, इधर उसका नाम है ब्राह्मण, एक क्षत्र को पकड़ के चल रहा है उसका नाम है क्षत्रिय, क्षत्र का क्या ये कालिदास ने रघुवंश में दिलीप के मुंह से क्या गया है, क्षतात् किलत्रायते इत्युदग्रह, क्षत्र से शब्दों भुवनेशु रूढ़ है, भुवनेशु तीनों लोगों में। अब आजकल हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तीन लोग आ जाते हैं, आज आपके आते हुए एक ही लोग है, पृथ्वी लोग है, न कहीं देवता दिखाई दे रहे हैं न कहीं राक्षस दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ छोटी से छोटी जगह तीन लोग तीन लोग तीन लोग, तुलसी आदि ने खूब तीन लोग का जप किया आराम से, पर वो हनुमान जी आदि को तो आदमी नहीं माना, माना क्या? कैसे? अरे लक्ष्मण वो शक्ति की देना थी मरना संग स्थिति में आ जाते, राम बेचारे बुरी तरह से गिलाफ कर रहे हैं, राम जैसा व्यक्ति लक्ष्मण की स्थिति को देखकर एक बार उनके मुंह से निकल जाता है जो किसी हालत में नहीं बोल सकते कि अगर मुझे पता होता कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं पिताजी की बात ही नहीं मानता। अर्थात पिता ने तो उनकी बात कही थी कि बेटा तुम मुझे कैदखाने में डाल दे और ये तेरी माँ जो बोल रही बोलने दे और तू राज्य कर, बाप कह रहा बेटे से। आज तो हम इतिहास में यही देख रहे हैं कि औरंगजेब जैसे लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, और वहाँ बाप कह रहा तू मुझे डाल दे, तेरा कोई लक्ष्मण और धनुष लेकर खड़ा, मैं देखता हूँ कि राम का विरोध कौन करता है, अगर भरत आया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या अपने इन शब्दों से लगा लगे राम लक्ष्मण की भरत के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी, पर ये व्यक्ति के उस आंतरिक स्थिति को बता रहा है कि मैं दशरथ के लिए अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, अब कोई कितना ही मुझे कहना नहीं, और वास्तव में सारे लोग हार गए कह कहकर क्या बात की बात छोड़ा कि जब राम चले गए और उसके बाद में जंगल में जाकर के किस प्रकार से भरत गिड़गिड़ा रहा पैर पकड़ रहा है आपके शास्त्र कहते मैं नहीं रहूंगा और अपने वंश की पूरी मर्यादा इक्ष्वाकु से लेकर के सूर्य से लेकर के गिना दिया कि देखिए सब जगह बड़ा वही राज्य होगा, तो मैं तो किसी स्थिति में अब राम को समझाने का सब लोग यत्न करते हैं पर अंत तक अथवा विजय राम की होती है विजय भरत की होती है, किसी विजय अपन नहीं सोच सकते क्योंकि वो कहता है ठीक है अगर तुम नहीं मान लेते हो तो लाओ तुम्हारे खड़ा शासन ये करेगी अयोध्या का,
मैं इनका सेवक हूं। और घोड़ा वो लेकर भर चल देता, जाते जाते एक व्यक्ति और करवा गया कि 14 वर्ष पूरे होते ही आकर एक दिन में निकल गया तो दूसरा दिन वो होगा कि जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसका मतलब कोई खड़ाऊ लेकर जाना, शासन करना दिखावा नहीं था। 14 वर्ष का इतना बड़ा संकल्प लेकर निकला कि उसके जीवन में एक दिन ऐसा नहीं आया राज्य भर का खड़ाऊ राम जी हो खड़ाऊ बोलते है कौन जाता नहीं बोलते, पर क्या भरसा मूर्ख कर जो इतना महान जबरदस्त, पर वो ये मुझे करना चाहिए। अब उसको अंदर में आवाज रुकती कर तो करता निश्चिंत तो होकर नहीं करना है तो रोक देगा। जिसके 14 वर्ष में और बल्कि शिकायत ही आई कि पवित्र ने राम से कहा कि हमें तो भरत ने हमसे टैक्स ने नहीं छोड़ दिया, कर भी एक तो छोड़ चुका है। भरत की जिस प्रजा से कर लेना छोड़ देता है और प्रजा का काम बहुत अच्छे से, मैंने कहा ना हम लोग कभी अपने इस इतिहास को कभी भी सामाजिक शास्त्र की दृष्टि से देख ही नहीं सकेंगे कि एक एक व्यक्ति का चरित्र किस प्रकार का जबरदस्त था और हम केवल मरे व्यक्ति की तरह से निष्प्राण भाव से सबको पढ़ जाते हैं। इसीलिए हम इसकी उपेक्षा ही कर देते हैं, अपेक्षा तो अपने हिंदू में ठीक शब्द है और तो उपेक्षा कर देते हैं। तो ये सब चीजें तो इतिहास पुराण ने यही बात कही कि जब 5वां नाम पुराण है तो अब हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि हम इस पुराण को वेद माने अथवा वेदेतर माने, क्योंकि अब तक वेद से मानने वाले खूब लोग हैं। पुराण को सबसे पहला गप्प कह करके और खत्म कर देने के हजारों मुख से मेरे पास रोज लोगों को ना गया। मैंने कहा देखो सारे पुराण अपनी जगह एक दृष्टि से ठीक है कि भगवान व्यास का सार है, और दूसरी दृष्टि आप समझिए एक भी पुराण व्यास से नहीं। व्यास की देन को हम लोगों ने किस प्रकार से बिना सोचे समझे और केवल पुराण के नाम पर अपने मानसिकता को समाज से थोपने के लिए आधार बना लिया है, इसलिए सारे पुराण तो इन पुराणों का हमें उस ढंग से विश्लेषण करके देखना है, तब हम कह सकेंगे कि इतिहास पुराण के एकदम समुद्रेंगे और वस्तुतः पुराण वेद की कोटि में आते हैं अथवा नहीं आते हैं। तो ये अखबार हमने सोचा था और इसी पर अर्थ अगली बार अपने निर्णायक दृष्टि से देखेंगे कि वस्तुतः पुराण जो है वेद कहे जाए अथवा वेद का ही महत्व रखने वाले किसी अन्य नाम से पुराण या 5 पुराण या 5 वेद क्या है, इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। अब आपको कोई बात करनी हो तो कर सकते हमारे साथ में विचार करेंगे।